मॉर्निंग माई यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माई अनदर ब्लॉग। होप करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी हूँ। जैसा कि आपने देखा, मेरा सुबह का सारा काम कंप्लीट, मैंने चाय बनाया, अपना चाय फिनिश कर रही हूँ यहाँ पे, और साथ में मेरा बेटा बैठ के दूध अपना इंजॉय कर रहा है विथ हॉर्लिक्स, और मैं भी अपनी अभी चाय पीऊँगी और उसके बाद न्यूज़पेपर पढ़ूँगी। देन मुझे बाहर कुछ काम है, कुछ ग्रॉसरी का सामान खरीदना है, तो मुझे उसके लिए वहाँ जाना पड़ेगा। और ये देखिए मेरे बेटों को एकदम अपना दूध एकदम मस्ती से इंजॉय करते हुए, कहीं भी ध्यान नहीं है, बस इधर उधर आराम से बस उसी पे कॉन्सेंट्रेट है। और फिर मैं मार्केट गई अपने ग्रॉसरी का सामान लेने के लिए, कुछ छोटे मोटे सामान थे, और मैं मॉर्निंग में ही अपना ये सारा सामान खरीद लेती हूँ ताकि पूरे दिन का हेडेक ख़त्म हो जाता है मेरा, और बस उसके बाद मैं घर वापस आकर घर से ही बैग कैरी करके ले जाना पड़ता है। और जो लोग मनमानी कर रहे हैं उनके दुकान पर छापे पड़ रहे हैं, और पूरी थक चुकी हूँ मैं शॉपिंग करते करते, क्योंकि बाहर ज़बरदस्त धूप है, फेस देख के लग रहा ही होगा। चलिए पहले थोड़ा आराम कर लूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो कैसे हैं आप लोग? मैं फिर से वापस आ गई। एक्चुअली मैंने नाश्ता उसका बना दिया, अभी नाश्ता करके चले गए, अब मेरे नाश्ते करने के बारी। तो नाश्ता करने में थोड़ा लेट हो गया है मुझे, तो मैंने सोचा कि कुछ हल्का फुल्का नाश्ता करते हैं, और इसलिए मैं जा रही हूँ अपने लिए गार्लिक ब्रेड बनाने। तो मैंने सोचा कि क्यों ना उसका शॉर्ट से बना दिया जाए, क्या कहते हैं आप लोग भी सीख लीजिए। मतलब सीखना क्या है, ऐसा तो सबको आता ही है, बट मैं कैसे बनाती हूँ और एकदम यम्मी वाला टेस्ट कैसे आता है, तो चलिए बनाते हैं गार्लिक ब्रेड। मैं ब्रेड लेके आई थी और आज ही लेके आई हूँ, और आज ही इसका उद्घाटन करते हैं और फटाफट से बनाते हैं अपना गार्लिक ब्रेड। और इसकी रेसिपी भी सूट करके मैं शॉर्ट्स पर डालने वाली हूँ, तो उसे भी चेकआउट कीजिएगा। और अगर मेरे ब्लॉग वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आपको क्या करना है, सिंपली मेरे वीडियो को लाइक करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ज़रूर से ज़रूर। और अपनी फैमिली को भी शेयर कीजिएगा मेरा वीडियो अगर पसंद आता है तो। बने रहिए, और मैं फटाफट से बनाती हूँ ना गार्लिक ब्रेड। और मैंने गार्लिक ब्रेड बना लिया है और मैं नाश्ता कर रही हूँ, और बहुत यम बना है। मैं अपना ब्रेड ज़्यादा क्या बोलते हैं कुरकुरा कड़ा टाइप नहीं रखती हूँ, थोड़ा सॉफ्ट ही रखती हूँ, ताकि खाने में मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। सैंडविच वगैरह मैं ग्रिल करके थोड़ा अच्छा से खाती हूँ, बट ये मुझे थोड़ा सॉफ्ट ही ठीक लगता है, और बना बहुत ही यम्मी है, बहुत ईजी रेसिपी है। शॉर्ट ज़रूर ट्राई कीजिएगा, देख कर मज़ा आ जाता है खाकर। तो मैं थोड़ा बहुत अपना नाश्ता कम्प्लीट करती हूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलते हैं। हाँ जी, मैं फिर से वापस आ गई हूँ, और अभी एक्चुअली दोपहर हो चुकी है, और मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को मेथी की मठरी की रेसिपी बताती हूँ, मतलब शॉर्ट्स में डालूँगी ऑब्वियसली, और मैं बस अभी वही बनाने की कोशिश कर रही हूँ, और होपफुली अच्छा बन जाए तो मैं शॉर्ट्स में डाल पाऊँ। और बस यही सब चल रहा है। आप बताइए आपकी लाइफ कैसे कट रही है, क्या है क्या नहीं। मैंने अभी तो कोविड का बूस्टर डोज नहीं लिया है, मुझे बहुत ये लग रहा है कि कब ले पाऊँगी, कैसे हो पाएगा क्या, होपफुली देखती हूँ। कल आई थिंक बंद रहेगा, कल बकरी ईद है, तो मंडे को मैं भी मैं कोशिश करती हूँ ले लेती हूँ, क्या बोलते हो, ले लेना चाहिए ना। इतना बड़ा लंबा चौड़ा भाषण दिया पिछले ब्लॉग में और अभी तक मैंने खुद ही नहीं लिया है, तो नहीं इसको डिले नहीं करना है, मैं ले लूँगी। तो चलिए फटाफट से पहले मठरी बनाते हैं, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। Oh,
फिर से वापस आ गई हूँ। मैं एक्चुअली मठरी बनाने के बाद मैं रिलैक्स मोड पे चली गई थी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्मी रहती है। और आपको पता ही है, मैं जो मुझे पहले से फॉलो करते हैं या फिर मेरे शुरू के वीडियो जिन्होंने देखा है, उन्हें पता है कि मैं अर्ली मॉर्निंग उठ जाती हूँ। और एक तो दिन बड़ा हो रहा है, ऊपर से बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी, तो दोपहर में इतना तेज़ धूप था कि और कुछ भी करने का, सोचने का दिमाग नहीं चल रहा था। तो वैसे भी मैं बहुत पसीने से पूरे एकदम लथपथ हो चुकी थी मछली बनाने के बाद। एक सेकंड थोड़ा पानी पी ली। तो फिर मैं रेस्ट करने लगी थी, और उसके बाद मैं 2 घंटे रेस्ट किया मैंने। मैं उठी रेस्ट करके, उसके बाद शाम का कुछ काम था, जैसे कि कपड़ा आयरन करना वगैरह, तो वो सारे चीज़ें मैंने किए। दूध को गर्म किया, चाय बना के चाय मैंने पी लिया है। और एक्चुअली मेरा एयरफोन ना बहुत दिनों से ख़राब हो चुका है, तो वीडियो को मतलब वॉइस ऑडियो डालते वक्त ऐसे क्लियर रहता है, एयरफोन लगा के समझ आता है, क्लियर सुनाई देता है। और ख़राब हो जाने की वजह से थोड़ा दिक्कत हो रहा था। मैं रोज़ सोच रही थी कि आज जाऊँगी कल जाऊँगी, बट इतनी तेज़ धूप हो जाती थी और फिर शाम को कुछ इधर उधर काम हो जाता था। और एक दो बार मैं बाहर गई भी तो मैं भूल जा, ऑब्वियसली सब चीज़ें याद नहीं रहती है तो भूल जाती थी, बट आज मुझे याद था। और शाम हो चुकी है और अभी वैसे कुछ काम भी नहीं है, सारा काम मैंने निपटा लिया है। पहले जाती हूँ उसको और एयरफोन एक ले कर आती हूँ, क्योंकि उसकी बहुत ज़रूरत हो गई है अभी। तो फिर वही, इसीलिए मैंने बोला कि चलो यार निकलते हैं, नहीं तो फिर देखते देखते भूल जाऊँगी और आज भी नहीं खरीद पाऊँगी। तो फिर चलिए चलते हैं बाहर और शाम की सैर करते हैं, इसी बहाने शाम की सैर भी हो जाएगी। तो चलिए फिर चलते हैं। मेरी शॉपिंग हो गई है और देखिए साथ में ये भी है। और शाम हो चुकी है, शाम के 7:30 हो रहे हैं, तब इतना साफ मौसम है। और अभी हम लोग घर जा रहे हैं, तो मैं मिलती हूँ आपसे घर पहुँच के, क्योंकि यहाँ लाइट का बहुत इशू है तो क्लियर कुछ दिख नहीं रहा है, इसलिए मैं आपको घर पे मिलती हूँ। तो हम लोग घर आ चुके हैं और बाहर गए हैं और कुछ खाए नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो नॉर्मली मेरे बेटे को आइसक्रीम बहुत ही ज़्यादा पसंद है, बिल्कुल मेरी तरह, जैसे मैं आइसक्रीम के लिए पागल हूँ ऐसे ये भी है। तो बाहर निकलते ही, चाहे वेदर कोई भी सीज़न चल रहा हो, समर हो, विंटर हो, या फिर बारिश का मौसम हो, कोई भी सीज़न चल रहा हो, इसको आइसक्रीम ही चाहिए। बट आज मैंने इसको बोला कि आइसक्रीम खरीदूँ, तो सडनली इसको जानते हैं क्या दिखा, एक सेकेंड रुकिए दिखाती हूँ, ये इसको दिखा मोमोज। और इसने मतलब सडनली बोला कि नहीं मुझे आइसक्रीम नहीं खाना है, मुझे मोमोज खाना है। हमने है ये कब हुआ, तो बोले नहीं नहीं मुझे आइसक्रीम नहीं खाना है, मुझे मोमोज ही खाना है। हमने वाह, मेरा बेटा तो सुधर गया, ये कुछ अलग चीज़ें भी ट्राई कर रहा है। तो बस मेरे बेटे की फरमाइश थी कि वो आज वो मोमोज खाएगा, तो मैंने मोमोज लिया। और गर्मी इतनी ज़्यादा थी, और गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि वहाँ खड़े होकर खाने का कोई मतलब नहीं था, तो मैंने पैक करवा लिया, बोले घर पे चल के खाते हैं, ज़्यादा दूर नहीं गए थे, तो अभी भी मोमोज गर्म ही हैं। तो बस अभी हम लोग मोमोज खाएंगे, है ना, खाना है ना मोमोज, पिज्ज़ा भी खाना है, इनको पिज्ज़ा भी खाना है। अभी इनका पिज्ज़ा का ऑर्डर आने वाला है, देखिए इतने डिमांड हो गए हैं ना आजकल के बच्चों को, क्या ही बताऊँ। हम लोग इतना डिमांड करते तो हम लोगों को क्या पड़ती थी, थप्पड़। और इन लोगों को देखिए, खैर छोड़िए, पहले हम लोग मोमोज खाते हैं और एंजॉय करते हैं। Thank you.
आ गई हूँ फिर से वापस। दूसरी मॉर्निंग हो चुकी है, जैसे कि आपको पता चल ही गया होगा, नाश्ता वगैरह सब कंप्लीट हो गया है। और जैसा कि मैंने कहा था कि कोविड का अभी तक इंजेक्शन मैंने नहीं लिया है, तो अभी निकल रही हूँ, देखती हूँ आज हो पाता है कि नहीं, तो कोशिश करूँगी कि आज हो जाए। और इसलिए मैं पहले वहीं जाऊँगी सेंटर पर, देखते हैं क्या होता है। तो चलिए फिर चलते हैं और बने रहिए। ऑटो में बैठ गए लग गया है वैक्सीनेशन, और अभी मैं घर जा रही हूँ। आधा घंटा लग गया है, यहाँ पे लाइन थी जिसका वेट करना पड़ा। पड़ी में देखी इनका अलग ही स्वैग है, इनको खेलना है अभी पार्क में। एक्चुअली स्कूल में वैक्सीनेशन हो रहा था तो बच्चे वहाँ पे खेल रहे थे ब्रेक टाइम में, तो इनको अभी खेलना है इतनी धूप में। मैं आपसे मिलती हूँ घर जाकर। ये स्कूल का पार्क था, इसमें जाने की जिद कर रहा था, बोल रहा था कि नहीं उसे खेलना है। मैं उसे कैसे बताऊं कि जो बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं उसके लिए है। और ये अपने मास्क को लेकर परेशान हो गया। एक्चुअली बीच में कोविड खत्म हो चुका था ना, जिसकी वजह से छूट गया था, मतलब थोड़ा कम हो चुका था। तो नॉर्मली लोग नहीं लगाते थे, बट अब क्या कीजिएगा, खुद करने लगा तो फिर यूज़ करना पड़ा। और जैसे ही लोग गेट के बाहर निकले, मुझे गलने का एक केला भी खराब हुआ था, तो बहुत ज़्यादा भी बेटा बोला कि उसे जूस पीना है, तो हमने बोला चल ठीक है लो, हम लोगों को पिला दे भाई, प्यास लगी हुई है, तो बस दिखा हम लोग यहाँ पर गलने का जूस पिए और इन्जॉय किए, देन हम लोग घर के लिए निकले। कैसा लग रहा है? देखा भी नहीं। वापस आ गई हूँ, मैंने वैक्सीनेशन ले लिया है और अभी मैं शाम को शूट कर रही हूँ। उस वक्त आने के बाद इतनी ज़्यादा गर्मी थी, इतनी ज़्यादा है, लाइफ में पहली बार हुआ है कि मैंने फेस में कुछ भी नहीं लगाया था। वैसे तो मैंने अभी भी नहीं लगाया है, बट इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि मुझे लग रहा था कि एक अगर टेलकम पाउडर भी लगाऊंगी ना तो वो भी मतलब दाग हो जाएगा, इतनी ज़्यादा गर्मी है और इतने ज़्यादा पसीने हो रहे थे। तो मैं आई और उसके बाद मतलब मुझे याद ही नहीं रहा कि मैं ब्लॉग भी शूट कर रही हूँ, तो मैंने शूट नहीं किया और मैं सो गई। उसके बाद अभी उठी हूँ, थोड़ा सा हाथ में पेन है, मतलब एकदम थोड़ा सा, उतना नहीं पता चल रहा है। तो अभी मैंने सोचा कि चलो आप लोगों को बता दूँ कैसा रहा एक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंस अच्छा रहा मेरा कोविड वैक्सीनेशन का। और अगर आप लोगों ने अभी तक वैक्सीनेशन नहीं लिया है तो प्लीज़ जाइए और इसे लीजिए। मैंने पहले ही बताया था, अभी भी बता रही हूँ कि फिर से कोविड का केस बहुत ज़्यादा बढ़ना स्टार्ट हो चुका है। तो प्लीज़ अपनी सेफ्टी के लिए, अपने फैमिली की सेफ्टी के लिए कोविड वैक्सीनेशन ज़रूर करवाइए। मेरा तो ये तीसरा डोज था, बूस्टर डोज जो लग रहा था वो मैंने लिया है। अगर आप लोगों ने नहीं लिया है तो आप लोग भी जाके लीजिए और हेल्दी और सेफ रहिए। तो और ज़्यादा आपको ना पकाते हुए मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। होप करती हूँ छोटू मोटू सब लोग आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ढेर सारा प्यार दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर दीजिएगा, मेरा इंस्टाग्राम आईडी है rinkypandey355, तो आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मेरे अच्छे अच्छे फोटोज़ और रील्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो फिर ठीक है, मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।